Assalamu alaikum Dear students this is lecture number 25 of the database management system course the course code is CS403 I'm your teacher Dr Nayyer Masood In the previous lecture we concluded our discussion on the physical database design there we discussed the vertical file fragment vertical file partitioning and after that we discussed the clustering of files and I emphasized in the previous lecture that in the physical database design phase, you have got different options to implement your normalized logical database design in an efficient manner. So, efficiency is the prime concern there. So, sometimes you have to even violate the normalization, but you have to be very clear why you are doing that. So, that was the physical database design. After that, we have to study the SQL. A tool, a mechanism to handle to process the data in the database. SQL is accepted as a standard language to manipulate relational databases. So, we discussed the history of the language in the previous lecture. Today, we'll start with the discussion on the SQL. So, let's start today's lecture. These are the rules regarding the understanding or studying the format of uh, a statement. This is applicable in almost all languages. Whenever you describe a language, whenever you mention a language, you write the general format of the statements of that language. So, there are certain rules to interpret the general format or the format of different statements of a language. Here, I have written some uh, very common, very general rules. And uh, whenever I write uh, the SQL commands here, I'll write the format of the command first. Even uh, if uh, sometimes I may for forget to write in that format, but this is the rule that applies everywhere. If you even see the SQL commands, SQL statement written in the book somewhere, these rules apply. एवरीवेयर सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस रूल सो यू ट्राई टू अंडस्टैंड दैम एंड इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ स्टेटमेंट विल वर्क सेंग दर्मेट ऑफ द स्टेटमेंट चाची अगर आप देखें उसमें कि नॉर्मली ऐसा होता है कि जो रिजर्व वर्ड्स हैं वो कैपिटल में लिखे जाते हैं यानी कैपिटल लेटर्स के अंदर वो लिखे होते हैं जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं रिजर्व वर्ड से मराज ये है कि उन वर्ड्स को उन टर्म्स को यू हैव टू गिव एज सच उसी स्पेलिंग में उसी पोजीशन पे अगर वो एक खास पोजीशन में उसी ऑर्डर में देना है आपने एक बात में रखिएगा कि व्हेन वी राइट द रिजर्व वर्ड इन कैपिटल केस इन अपर केस तो दैट इज ए रूल इन द इन द डिस्कशन ऑफ द फॉर्मेट ये जरूरी नहीं है कि जब आप प्रैक्टिकली स्टेटमेंट को इस्तेमाल करें

चाहे लोअर केस में लिखें चाहे मिक्स में लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो उसको सही सही इंटरप्रेट करेगा उसी तरीके से इंटरप्रेट करेगा लेकिन फॉर्मेट लिखते हुए हम इन रूल्स को फॉलो इस तरह से कर रहे हैं कि जो कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं इसका मतलब है कि आपने वो उसी तरतीब में और उसी स्पेलिंग के साथ उसी तरह लिखने हैं प्रैक्टिकली केस डजेंट मैटर आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स इन लोअर केस कुछ चीज़ें जब हम फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे फॉर्मेट को देखेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें लोअर केस में लिखी होंगी इट मीन्स के यू हैव टू प्रोवाइड दो थिंग ओवर हीयर दे कुड बी द नेम ऑफ द टेबल्स दे कुड बी द नेम ऑफ़ द एट्रीब्यूट्स या कंडीशन हो सकती है कुछ भी हो सकता है लेकिन इन चीज़ों को बेसिकली यूज़र ने प्रोवाइड करना होता है तो इसलिए उनको हम लोअर केस में लिखते हैं और आप समझ जाए कि अगर फर्ज करें कि कुछ चीज़ें कैपिटल में लिखी हुई हैं कुछ लोअर में लिखी हुई हैं इसके बाद मतलब कि जो कैपिटल में लिखी हैं स जो मर्जी हो लेकिन फॉर्मेट में जो लोअर केस में लिखी हुई है आप समझ जाए कि यहां पर आपने अपनी तरफ से कुछ चीज लिखनी है तो वो आपने खुद लिखनी है फिर तो इसको हम देखेंगे कि जब इसको हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो वहां पर आपको ये चीज समझ आ जाएगी यू हैव टू टेक केयर ऑफ द रूल्स रिगार्डिंग valid identifiers। हर लैंग्वेज में अपने रूल्स होते हैं वो मिलते जुलते हैं माइनर डिफ्रेंसेस के साथ लेकिन हम अगर अब इसमें बात करें सीक्ल सर्वर में या स्कूल की बात करें तो उसमें एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपका जो जो नाम होगा सारे तौर पे आप एट्रीब्यूट के नाम दे रहे हैं या फाइल के नाम जो देते हैं उसमें रिक्वायरमेंट ये है कि जो आपका फर्स्ट लेटर है उस वो एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए ए से लेकर जेड तक कोई लेटर इसके अलावा वो अंडर से भी स्टार्ट हो सकता है और आपके पास सीक्ल सर्वर में बाज़ वेरिएबल आप देखेंगे जिनको खासतौर तो पे हम लोकल वेरिएबल कहेंगे वो एट द रेट जो सिंबल है उससे भी स्टार्ट हो सकते हैं तो अल्फाबेट से अंडरस्कोर से एट द रेट से और बास के में नंबर साइन से इन चार से आपका जो आइडेंटिफायर नेम है वो स्टार्ट हो सकता है इसकी लेंथ की लिमिट जो है वो टू uh, फिफ्टी तक है आप इतनी लेंथ का जो है वो uh, एक आइडेंटिफायर uh, नेम दे सकते हैं तो इन रूल्स को आपने ख्याल रखना और एक और बात यह है कि इट शुड इट मस्ट नॉट बी रिजर्व वर्ड रिजर्व वर्ड से है कि ऐसे वर्ड्स ऐसी टर्म्स डेट एक्ल सर्वर द सिस्टम हैज फॉर सर्टन दे हैव गॉट जे बी एम एस तो उनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते एज द आइडेंटिफायर नेम मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि सेलेक्ट नाउ सेलेक्ट इज ए रिजर्व वर्ड इसका मतलब यह है कि सेलेक्ट का जो है वो सीक्वल सर्वर के नज़दीक एक खास मतलब है उसको आप एज आइडेंटिफायर नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते ऑप्शनल इन स्क्वेयर ब्रैकेट्स किसी भी स्टेटमेंट के जनरल फार्मेट के अंदर द थिंग्स डेट यू सी एनक्लोज इन द स्क्र ब्रैकेट्स इसका मतलब यह है कि वो ऑप्शनल हैं ऑप्शनल का मतलब यह है कि अगर वो आपको जरूरत उसकी है आपकी सिचुएशन के मुताबिक आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इफ द थिंग्स इन द स्क्र ब्रैकेट्स इफ यू नीड दैम राइट दैम इफ यू डोंट नीड दैम डोंट राइट दैम उसके बगैर भी आपकी जो स्टेटमेंट है वो सही होगी इसके बरक्स अगर आप देखें जैसे हमने पहले जिक्र किया लाइक द थिंग्स इन द कैपिटल लेटर्स और द लोअर केस में जो चीजें हैं अगर वो बगैर स्क्वायर ब्रिकेट्स के हैं इट मीनस दे आर रिक्वायर्ड देयर उनके बगैर आपकी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं होगी लेकिन जो स्क्वायर ब्रैके में है वो ऑप्शनल है इसके अलावा आप बाज आइटम देखेंगे कि वो जो करली ब्रेसिस हैं उनमें वो बंद होंगे उनमें एनक्लोज होंगे तो उसका मतलब ये होगा कि जो आइटम इस इन करली ब्रेसिस के अंदर है दे आर रिक्वायर्ड आपने उनको लाजमी तौर पे देना है और अब सवाल यह कि अभी मैंने आपसे कहा कि जो चीज बगैर ब्रैकेट्स के लिखी हुई है वो भी रिक्वायर्ड है और यहां करली ब्रेसिस के केस में भी कह दिया कि ये भी रिक्वायर्ड है इसमें फर्क क्या होगा फर्क ये होता है कि बाद जगह पर ऐसा होता है कि यू हैव गॉट ऑप्शन क्या पास तीन चार पांच ऑप्शन हैं उनमें से आप कोई एक दे सकते हैं तो वहां के जो ऑप्शंस हैं उनमें से एक रिक्वायर्ड लाजमी तौर पे होता है तो कर्ली ब्रेसेस आपको ये शो कर रही होती हैं कि आप इनमें से कोई एक ऑप्शन दे सकते हैं और आगे जो सब हमने से मैं लिखी जो एक वर्टिकल बार दी हुई है इसका मतलब है कि यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास ऑप्शन हैं यानी मुख्तु तीन चार पाँच अगर डिफरेंट चीज़ें हैं उनमें से आप कोई एक दे सकते हैं तो उनके दरम्यान में आप लिखेंगे पहला आइटम पहली चीज़ वर्टिकल बार दूसरी चीज़ वर्टिकल बार तीसरी चीज़ एंड लाइक दैट इसका मतलब ये होगा कि जितनी ये चीज़ें हैं ये ऑप्शंस में से हैं इनमें से आप कोई एक जो है वो दे सकते हैं इसके बाद आपने ये सिंबल देखा कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में या बाजफा स्क्वायर ब्रैकेट्स के बगैर भी कॉमा के साथ डॉट 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 और एन इसका मतलब यह कि कॉमा से पहले जो भी चीज है इससे पहले जो भी चीज लिखी हुई है वो उसको आप एन टाइम्स रिपीट कर सकते हैं तो ये कुछ बहुत जनरल किस्म के रूल्स थे दैट यू शुड यूज वाइल इंटरप्रेटिंग वाइल अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेट ऑफ ए स्टेटमेंट जो भी आप कहीं लिखे हुए देखें कोर्स के दौरान इस कोर्स के दौरान नहीं भी वैन यू रेफर डिफरेंट बुक्स या कोई मैनुअल खास तौर पे देखते हैं एस uh, क्यूएल का तो उसके अंदर जो कमांड लिखी हुई होंगी यू इंटरप्रेट देम अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स मिसाल के तौर पे अगर आप यहां देखें तो एक यहां पे स्टेटमेंट लिखी हुई है सेलेक्ट तो इसमें आप देखिए कि ये जरूरी नहीं है कि यह बिल्कुल uh, सही सेलेक्ट का फॉर्मेट है लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस देखें सेलेक्ट जो है फर्स्ट वर्ड जो है इट बिन रिटर्न इन द कैपिटल लेटर इन द कैपिटल केस इसका मतलब यह होगा कि आपको ये वर्ड जो है वो एज सच देना है इसी स्पेलिंग के साथ इसी पोजिशन पे क्योंकि ये बिल्कुल शुरू में लिखा हुआ है इसका मतलब यह कि इट हैज बी द फर्स्ट वर्ड फर्स्ट टर्म लेकिन जैसे मैंने पहले कहा है कि जब आप प्रैक्टिकली कमांड लिखेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि आप इसको अपर केस में लिखें कमांड लिखते हुए आप बेशक इसको लोअर केस में लिखें या मिक्स में लिखें वो सही इंटरप्रेट होगी उसके बाद देखिए कि कुछ चीज़ें हैं वो स्क्वेयर ब्रैकेट्स में लिखी हुई हैं दो चीज़ें हैं ऑल दरमियान में वर्टिकल बार और फिर डिस्टिंक्ट इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि दीज टू थिंग्स आर ऑप्शनल जरूरत है तो दे दें जरूरत नहीं है तो मत दें इनका पर्पज क्या है जब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट को पढ़ेंगे

इट मीन्स के यू हैव टू गिव वन ऑफ देम इधर यू गिव दस्क और यू गिव दिलेक्ट लिस्ट सेलेक्ट लिस्ट की यहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई अदरवाइज सेलेक्ट लिस्ट का मतलब यह है कि यू गिव ए लिस्ट ऑफ आपने कौन कौन से एट्रीब्यूट उनको सेलेक्ट करना है उसके बाद देखिए करली ब्रेसिस के, के बाद देखा हुआ फ्रॉम इट मीन्स के दिस इज रिक्वायर्ड दिस हैजू बी देयर एंड दिस हैजू बी देयर एज सच यानी और उसका ऑर्डर भी देखें और स्पेलिंग भी देखें यानी इसमें ऑल डिस्टिंग और जो स्टार या स्टारेक्ट लिस्ट के बाद यू हैव टू गिव फ्रॉम उसके बाद देखें आगे फर्दर जो है वो आपके पास एक करली uh, ब्रेसेस में कुछ चीजें रखी हुई हैं अगेन इट मीन्स के यू हैव टू गिव वन ऑफ देम यानी वो क्या है उसमें टेबल देंगे या व्यू देंगे यहाँ पे टेबल का नाम देंगे या व्यू का नाम देंगे उसके बाद अगर आप देखिए कि स्क्र ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है कॉमा डॉट डॉट एन इट मीन्स के यू कैन गिव मल्टीपल टेबल और व्यूज हियर यानी जो इससे पहले लिखा हुआ है टेबल या व्यू आप चाहे टेबल का नाम दें चाहे व्यू का नाम दें उसको आप कॉमा के साथ सेपरेट करके रिपीट कर सकते हैं यानी एक टेबल का नाम कॉमा दूसरे टेबल का नाम कॉमा तीसरे टेबल का नाम एंड लाइक दैट और इसमें एक और चीज देखिए कि सर्टन थिंग्स आर रिटर्न इन द लोअर केस जैसे ऑल है डिस्टिंक्ट है फ्रॉम है सेलेक्ट है दीज आर रिजर्वर्ड इनमें से जो कंपल्सरी है वो लाजमी तौर पे लिखेंगे ऐसे ही लिखेंगे जो ऑप्शनल है अगर देंगे तो ऐसे ही दिखेंगे ऑल जैसे ए डबल एल आर डिस्ट्रिक्ट ऐसे ऐसे इसको लिखेंगे लेकिन जो चीजें लोअर केस में लिखी हुई हैं लाइक सेलेक्ट लिस्ट है टेबल है व्यू है दीज थिंग हैव टू तो बी प्रोवाइडेड बाय यू डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग अपॉन योर थ्यूरी आप उसके मुताबिक यहां पे चीजें फिल इन करेंगे लेकिन जो इनमें से रिक्वायर्ड है वो लाजमी तौर पर आपने देनी है ये एक जनरल से रूल था और उसकी एग्जाम्पल थी आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं और उसको समझते कैसे हैं मिसाल के तौर पे आप देखें इसकी बहुत ही सिंपल एक जो स्टेटमेंट आपके सामने है कि हाँ, इसी के मुताबिक लिखा हुआ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इस स्टेटमेंट में ये देखिए कि हैज़ एट द स्टार्ट ऑफ द स्टेटमेंट बिकॉज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट द सेलेक्ट टर्म द सेलेक्ट वर्ड हैज़ टू बी द फर्स्ट वर्ड एट द फर्स्ट प्लेस एट द फर्स्ट पोजिशन उसके बाद आपके पास जो ऑल और डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन थी उनमें से हमने दोनों को इग्नोर कर दिया वी इन यूज इधर ऑफ दम ये हमारे पास ऑप्शन थी जरूरत नहीं थी हमने नहीं इस्तेमाल किया इसके अलावा अगर आप देखिए कि इसमें आगे हमारे पास करली ब्रसेज में दो चीजें थी स्टार और सिलेक्ट लिस्ट उनमें से वी हैव तो टू गिव वन तो हमने इस एग्जाम्पल में स्टार को सिलेक्ट किया फिर उसके बाद देखिए करली ब्रशिज के बाद यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है दिस वॉज द पोजिशन दिस वॉज द टर्न ऑफ द फ्रॉम सो वी रोट हियर फ्रॉम एंड सी फ्रॉम हियर इज रिटर्न इन द लोअर केस नी डिफ्रेंस इट इज हंड्रेड परसेंट करेक्ट अच्छा उसपे बाद अगर आप देखें फिर करली ब्रेसिस में कुछ ऑप्शन थी उनमें से कोई एक देनी थी हियर वी हैव गेवन दी टेबल नेम दैट इज दूडेंट एस टी डी सो सी एस टी डी इज ए यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर ये हमने एक टेबल का नाम रखा है तो ये जो रूल थे हमारे जो आइडेंटिफायर के रूल थे हमने पिछले uh, उसमें स्लाइड में देखे थे उनके मुताबिक है फर्स्ट लेटर जो है वो बल्कि इसमें तमाम लेटर ही अल्फाबेट्स हैं ये रिजर्व वर्ड नहीं है मैक्सिमम लेंथ जो है उससे कम है तो ये आप इस तरह से कोई सा इसका आप नाम दे सकते हैं बट प्रेफरेबली यू शुड यूज़ द मीनिंग मीनिंगफुल नेम्स के आप उसका नाम पढ़ें तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाए दिस इज़ नॉट ए मस्ट कि आप मीनिंगफुल नाम रखें मिसाल तो के तौर पर अगर किसी का नाम मोहम्मद शरीफ है तो ये जरूरी नहीं है कि वो शरीफ ही हो इसी तरह अगर आपने एक टेबल का नाम जो है वो स्टूडेंट रख दिया लेकिन अंदर आप डाटा स्टोर कर रहे हैं कार्स का या व्हीकल्स का दैट इज परफेक्टली ऑल राइट वो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आपकी ये शरारत है या आप ये सोचते हैं कि मैं याद रखूंगा तो माइंड इट ये आपकी शरारत औरों को भी तंग करेगी और कल को आपको खुद भी डिस्टर्ब करेगी डेफिनेटली क्योंकि इनका प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें जो रिकमेंडेशन होती हैं जो रूल्स होती हैं वी शुड फॉलो दें इसलिए कि हम जो खास तौर पे जो जो लोग बिगिनर्स होते हैं वो इस रूल्स को फॉलो से नहीं करते या वो इसकी अहमियत को नहीं समझते दे स्टार्ट डिवेलपिंग सिस्टम समझते हैं यार ठीक है हम ये काम कर रहे हैं हमें याद रहेगा मुझे पता है मैंने ऐसा किया है बट द थिंग इज के दी सिस्टम दे स्पैन ओवर अ लॉन्ग टाइम बनने में इस्तेमाल होने में कल को जब आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी इतनी सारी चीज़ें यू कैन नॉट रिमेंबर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप डेफिनेटली भूलेंगे कन्फ्यूज होंगे इसलिए रिकमेंडेड ये है कि वेन एवर यूज यूज एन आइडेंटिफायर नेम चाहे वो टेबल uh, का नाम हो चाहे वो एट्रीब्यूट का नाम हो और आपने इसको नोट भी किया होगा कि सो फार वी यूज द नेम इधर द नेम ऑफ द टेबल और द टाइप और द एट्रीब्यूट द नेम वॉज रिलेटेड टू द दर्पज ऑफ द एट्रीब्यूट और द टेबल मिसाल के तौर पर जिसमें हमने कोर्सेज के बारे में डाटा स्टोर करना था वी दैट एंट्री टाइप और द टेबल एज कोर्स द टेबल दैट वी वी प्लान टू यूज फॉर द टीचर्स तो इसको हमने या टीचर नाम रखा या फैकल्टी नाम रखा सी डीबीएम ऐसे ताजी करेगा कभी भी कि आपने टेबल का नाम तो फैकल्टी रखा हुआ है लेकिन वहां पे आप स्टूडेंट स्टोर कर रहे हैं नो दिस इज फॉर योर ओन कन्वीनियंस टेक्निकली आपको ऐसा करना चाहिए और यह एक, एक बहुत ज्यादा वैलिड टेक्निकल पॉइंट है कि आप चीजों के नाम जो है उनके मतलब से पास रखें ताकि आपको नाम देखते ही अंदाजा हो जाए कि इसमें यह चीज हो सकती है आइए आगे चलते हैं डेटा टाइप्स इन सीक्ल सर्वर यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि एस एस जो है ये हम लोग अपनी हमारी एक वो अखतराह है इसे कोई इस्टेब्लिश नहीं है एस सच ये हमने अपने खुद से इस कोर्स के अंदर अखतरा उसके लिए फॉर द ब्राविटी इक्तसार के लिए मुख्तर उसके करने के लिए हमने इसको एस एस कह दिया इट ऑलवेज मीन सीक्ल सर्वर तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो डाटा टाइप्स हैं दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन मोस्ट ऑफ द डी बी एम एस एस लेकिन उसमें जो उनके लिए एक्जैक्ट जो उनकी नेचर है जो उनके नेम खास पे इस्तेमाल होते हैं उनमें माना सा डिफरेंस हो सकता है तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई ठीक है इस इस तरह की जो डेटा टाइप्स हैं वो जनरली मिलती हैं डी बी के अंदर और ख़ासतौर पर जो रिलेशनल डी बी हैं और वो एस की तरफ से भी एक कहना चाहिए कि रिक्वायरमेंट है तो तमाम डी बी आपको एटलीस्ट वो जो आप डेटा टाइप्स हैं बेसिक डेटा टाइप्स हैं सीक्वल की रेफरेंस से वो प्रोवाइड करते होंगे तो जो यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूं या बता रहा हूँ वो दे आर स्पेसिफिक टू द दीकल सर्वर प्रिसाइसली स्पीकिंग लेकिन वो अगर आप थोड़ा सा चेंज करते हैं डी तो वो उनमें माइनस डिफरेंस होगा माइनस डिफरेंस खास तौर पे इसमें होगा कि जो नाम इस्तेमाल हो रहा होगा वहां पे एक डिफरेंट डी में लाइक और इस्तेमाल करते हैं आप या डी लेते हैं या आप, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लेते हैं तो उनमें आपको थोड़े से डिफरेंसेस नजर आएंगे खासतौर पे जो डेटा टाइप्स के नाम हैं तो आपको एक दफा इनका पर्पस समझ आ जाए तो उसके बाद इफ़ यू शिफ्ट द डीबीएमएस तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा यार तो यहाँ पर जो टाइनी इंट था वहां पर वो शायद स्मॉल इंट हो या जो यहाँ पे जो टाइनी इंट है वहाँ शायद वाइट हो एंड लाइक दैट इस तरह के डिफरेंसेस आपको मिलेंगे अब दिखा मिसाल के तौर पे जो इंटीजर टाइप की आपके पास डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं इंटीजर आपको अंदाजा होगा आपने लैंग्वेज कोर्स पढ़े होंगे कि ऐसा नंबर जो कि विदाउट डेसिमल पॉइंट है उसको इंटीजर कहते हैं तो यहाँ पे uh, जो इंटीजर की टाइप डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं सर्वर में उसे एक बिट है बिट एक ऐसी डेटा टाइप है जो कि जीरो या वन इन में से कोई एक स्टोर करती है सिंगल बिट पर मुश्तमिल होती है मैंने आपसे कहा कि तमाम इंटीजर के फ्लेवर्स हैं इसका मतलब यह है कि ऑल ऑफ देम दे कैन स्टोर द वैल्यू विदाउट डेसिमल पॉइंट दे कैन स्टोर द होल नंबर्स ओनली तो टाइनी इंट हो गया आपका जीरो से लेके टू फिफ्टी फाइव तक वैल्यू स्टोर करेगा इसका मतलब कि ये एक बाइट लेगा स्मॉल इंट आपका वो माइनस थ्री टू सेवन सिक्स एट से लेके पॉजिटिव साइड पे थ्री टू सेवन सिक्स सेवन ये रेंज अब बात ये है कि ये रेंज बताने का आपको मकसद क्या एडवांटेज क्या है इसका 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 क्या पर्पज क्या है इसका वो ये है कि यू नो कि वट इज द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट ए पर्टिकुलर डाटा टाइप कैन सपोर्ट

देन नेक्स्ट इज वट इज द रेंज अब मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि फर्क कैसे पड़ता है फर्क कैसे पड़ता है कि जैसे टाइनी इंट है टाइनी इंट जो है इट टेक्स वन बाइट्स ऑफ स्टोरेज इसको स्टोर करेंगे मेमोरी में, में, में हार्ड डिस्क पे वो एक बाइट लेगा स्टोर करने के लिए अगर आप स्मॉल इंट करते हैं उसको ये लेगा दो बाइट्स अगर आप लेते हैं इंट ये लेगा फोर बाइट्स अगर आप कहते हैं बिग इंट ये रहेगा एट बाइट्स अब जाहिर है कि एक सिचुएशन एक जगह जहां पर के आपके पास वैल्यूज की रेंज जो है वो इतनी मैक्सिमम तीस चालीस पचास तक हो सकती है आप ये कहें कि मैं आई गिव द फ्लेक्सीबिलिटी टू द फील्ड आई गिव इट मैक्सिमम स्पेस ताकि इसका बहुत बड़ा रेंज हो जाए एक लिहाज से बात तो मतलब फायदेमंद तो लगती है कि यू कैन एंटर एनी सॉर्ट ऑफ वैल्यू इन टू दैट बट इट इज़ कैसे पहली बात तो यह है कि आप का जो है वो रेंज ही रेंज का कंट्रोल है वो यहाँ पे वो खत्म हो जाएगा क्योंकि फर्ज के जैसे एज है अब एज अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग की एज आप स्टोर करने जा रहे हैं तो आप कैसे सोच सकते हैं कि उसकी जो एज है वो खरबों में होगी या लाखों में होगी नौ no. तो जाहिर है उसके लिए आपको जो है उसको स्टोरेज को एफियल करने के लिए बेहतर यही है कि आप उसको टाइनी इंट दे दें उससे होगा कि आपका जो एक जो आपका एक होगा आपका एक फील्ड होगा वो एक रिकॉर्ड में एक बाइट लेगा तो अगर आप उसको बिग इंट कहते हैं जो दूसरा एक्सट्रीम है उसमें क्या होगा इट इज गोइंग टू टेक एट बाइट्स तो इसका मतलब है कि हर वैल्यू जो आप उस एट्रीब्यूट की स्टोर कर रहे हैं यू आर वेस्टिंग सेवन बाइट्स तो इससे आपको अंदाजा होगा कि जो ये डाटा टाइप्स हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कैसे क्रूशल है तो जिस टाइप की वैल्यू ए वेरिएबल इज एक्सपेक्टेड टू स्टोर एन एट्रीब्यूट और ए फील्ड इज एक्सपेक्टेड टू स्टोर आपको उसके मुताबिक जो है डाटा टाइप वो उसको देनी चाहिए और जैसे मैंने अभी आपको एक ही एग्जाम्पल दी है जैसे मैंने कहा टाइनी इंट है अब टाइनी इंट जो है वो जिसको आपने एट्रीब्यूट को या फील्ड को यू डिक्लेयर एज टाइनी इंट इट कैन हैव लीगली जीरो से लेके 255 तक वैल्यूज पर द थिंग इज इवन 200 हंड्रेड इज नॉट ए मच वैलिड एज फॉर अयूमन बींग अगर आप फर्स के स्टूडेंट है या एम्प्लॉई है उसकी एज स्टोर कर रहे हैं अब ज़ाहिर गया तो आपका बिट है जो कि जीरो और वन ले सकता है उसके पास नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी थी वो थी टाइनी इंड सवाल यह पैदा होता है कि अब आप कहेंगे कि यह तो एक लाज फिर भी गड़बड़ है कि हमारे पास जीरो से टू टू फिफ्टी फाइव तक हमारे पास रेंज है अगर किसी एम्प्लॉय की गलती से हम हमने करनी थी पचास लेकिन कर दी दो सौ पचास से एक सौ पचास तो ये तो जो फील्ड है या एट्रीब्यूट है इट विल एक्सेप्ट दैट वैल्यू तो उसका जवाब यह है कि देन देर इज ए नेक्स्ट स्टेप ऑफ इंपोजिंग द कंस्टेंट या चेक और वो ये है कि आप इसकी वैल्यू के ऊपर रेंज चेक भी लगा सकते हैं चुनाचे आप उसको टेनिंग डिक्लेयर करें फर्स्ट या एज है और साथ ही नेक्स्ट चीज ये करें कि उस पर आप रेंज का चेक लगा देंगे इसकी वैल्यू का रेंज है वह फर्ज क्या कहें कि हम वो जाएगा मैक्सिमम लेट्स से नाइन्टी तक या अगर आप स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल लेते हैं मे बी फोर्टी तक जो भी वहां का रूल है तो इस तरह से आपको यानी ये जो चीजें मिलकर आपको ये डिसाइड uh, करनी चाहिए और ताकि आपका जो इंप्लीमेंटेशन है अल्टीमेट दैट इज एज एफिशिएंट एज पॉसिबल डेसिमल और न्यूमेरिक ये डेटा टाइप इस्तेमाल होती है टू स्टोर दिक्स पॉइंट रियल नंबर्स यानी आपको नजर होगा इसमें कि जो रियल नंबर है रियल नंबर से मरा ये हमारी है कि वो नंबर जिनमें के डेसिमल पॉइंट है जिसमें इशारिया आ जाता है साथ थ्री पॉइंट फाइव फोर पॉइंट सिक्स एट ये ऐसी वैल्यूज हैं कि जिसमें इशारिया डेसिमल पॉइंट आ रहा है दीज आर रियल वैल्यूज हैं आप इंटीजर के अगेंस्ट क्योंकि इंटीजर में देर इज नो डेसिमल पॉइंट तो कंप्यूटर uh, के अंदर नॉर्मली हम जो रियल नंबर्स हैं उनको दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एक हम कहते हैं फिक्स पॉइंट एक है फ्लोटिंग पॉइंट फिक्स पॉइंट में यह है कि जैसे नाम से जाहिर है कि आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो उसकी पोजीशन फिक्स होती है और यू यू एक्सेस द नंबर या स्टोर द नंबर इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर डॉट फ्रैक्शनल पार्ट इस तरह से वो स्टोर होता है लेकिन जो फ्लोटिंग पॉइंट है उसमें होता यह है कि आप जो एक रियल नंबर है इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ टेन उसका एडवांटेज होता है कि आपका जो रेंज है रेंज ऑफ वैल्यूज जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट केस में बहुत बढ़ जाता है यह अलग बात है कि उसमें प्रसिशन उतनी नहीं रहती जितनी की आपके पास आ, होनी चाहिए या जितनी आपकी रिक्वायर्ड है लेकिन उसका आपका रेंज बहुत बढ़ जाता है ये जो है ना वो टेन टू द्री हंड्रेड प्लस कोई इसका रेंज बन जाता है तो जो आपके पास ये है डेसिमल और न्यूमेरिक दिस इज योर फॉर द पॉइंट नंबर्स रियल नंबर्स और इसमें जो प्रसिशन है आपको एक्यूरेसी जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद चार डिजिट तक मिलती है आइए आगे चलते हैं इसके अलावा जो टेक्स्ट टाइप की रेंज में हमारे पास डाटा टाइप्स हैं सीकल सर्वर में टेक्स्ट का बेसिकली पर्पस ये है कि ये टेक्स्टुअल डाटा हैंडल करता है टेक्स्टुअल डाटा में हम राजें कि किसी किस्म का टेक्स्ट उसमें अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं उसमें डिजिट्स भी आ सकते हैं उसमें स्पेशल सिम्बल्स लाइक स्टार है लेस दैन ग्रेटर दैन प्लस कॉमा डॉट ये तमाम जो आपके करेक्टर्स हैं आपके करेक्टर सेट में वो तमाम उसमें टेक्स्ट में आ सकते हैं इसका आपको पता होगा इसकी जो डिफरेंट फ्लेवर्स हैं टेक्स्ट टाइप के सर्वर uh, में वो एक तो है कैरेक्टर कैरेक्टर अगर आप किसी को डिक्लेयर करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये थर्टी कैरेक्टर्स तक इसको स्टोर करता है और मैक्सिमम uh, जो इसकी रेंज है करेक्टर टाइप uh, की वो एट थाउजेंड कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेट्स हैं या करेक्टर्स हैं ये वारचार है वारचार मीन्स के वेरिएबल कैरेक्टर तो इसमें वेरिएबल लेंथ टेक्सट इसमें हैंडल कर लेता है और इसकी भी मिनिमम लेंथ जो थर्टी है लेकिन मैक्सिमम जो इसकी लेंथ है वो एट थाउजेंड है और ये है कि ये इसमें वाचर से बता दिया कि जब आप किसी वेरिएबल को वाचर डिक्लेयर कर देते हैं तो उसका एक आइडिया ये है कि जितनी लेंथ वो लेगा उतनी जो है ना रिकॉर्ड में स्टोर होगी यानी अगर फर्स्ट के आपने एटी डिक्लेयर की है लेकिन प्रैक्टिकली वो पचास ले रहा है तो वो उसमें पचास ही इस्तेमाल करेगा टेक्स्ट भी एक टाइप है और ये भी मतलब आपका वेरिएबल लेंथ है और ये ऑटोमेटिकली uh, जो है ना ये अपनी उसको लेंथ को एडजस्ट कर देते हैं अब इसके साथ यानी कैरेक्टर, वार और टेक्स्ट के साथ साथ आपके पास तीन और टाइप्स हैं एन कैरेक्टर, एन वार और एन टेक्स्ट। इन तीनों का बिहेवियर एग्जैक्टली वही है जो कि कैरेक्टर का वार का और टेक्स्ट का है डिफ्रेंस इसमें यह है कि जो आपके एन के साथ आपकी डाटा uh, टाइप्स हैं दे टेक एज द करेक्टर सेट यूनिकोड को वो जो अंडरलाइंग इनके करेक्टर सेट है वो यूनिकोड है इसका मतलब है कि दे एक्सेप्ट ए मच ब्रॉडर करैक्टर सेट एज इनपुट जबकि जो आपके करेक्टर वार्चार और टेक्स्ट हैं दे आर सिंपली नॉन नॉन यूनिकोड टेक्स्ट उसमें वो एस भी हो सकता है एफ भी हो सकता है लेकिन पर वो यूनिकोड नहीं है तो ज़ाहिर है उसमें जो पॉसिबल कैरेक्टर्स जो आप एंटर कर सकते हैं इन तीन टाइप के वे फील्ड uh, के अंदर दैट इज़ रिलेटिवली लिमिटेड एज़ कम्पेयर टू यूनिकोड के उसके बाद है कि मॉनिटरी डाटा को हैंडल करने के लिए कुछ मनी टाइप के भी इसमें डाटा टाइप्स हैं एक है स्मॉल मनी ये कि सिक्स डिजिट तक वैल्यू स्टोर करेगा होल नंबर में और फोर डेसिमल पॉइंट तक आपको ये accuracy देगा। यानी आपके पास हंड्रेड थाउजेंड तक की रेंज इनके नाइन 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 सिक्स साइंस तक आपकी होल नंबर पार्ट में आएगी वैल्यू मनी टाइप की और फोर डेसीमल पॉइंट तक आपको ये वैल्यू देगा अगर आप मनी सिंपल कहेंगे तो उसमें 15 डिजिट्स तक आपके पास होल इतनी बड़ी इतनी बड़ी वैल्यू ये हैंडल कर सकता है जिसमें कि 15 तक डिजिट्स आ सकते हैं के बहुत बड़ी वैल्यू है और इसमें जो एक्यूरेसी है अगेन डेसिमल uh, के बाद अगेन दैट इज ऑफ फोर डिजिट्स फ्लोटिंग पॉइंट में uh, जैसे मैं आपसे कहा था कि जो रियल वैल्यू रिप्रेजेंट होती है दैट इज विद द हेल्प ऑफ द पावर्स ऑफ टेन तो इसमें फ्लोट रिलेटिवली स्मॉलर रेंज इसमें तो टू टेन टू दावर थ्री हंड्रेड प्लस तो इस आपका जो ना वो, आ, इसी आपका होता है और माइंड इट मैंने आपसे कहा कि एक्यूरेसी जो है वो जरूरी नहीं है कि आपको इतने बड़े वैल्यू तक, तक हो डेट इसमें है स्मॉल डेट टाइम और डेट टाइम जैसे कि हमारे पास पहले होता रहा कि स्मॉल डेट टाइम निस्बतन जो है आपको वो जो आपके टाइम की एक्यूरेसी है वो रिस्पतान में भी वो सेकंड्स तक देती है लेकिन जो डेट टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा आपको जो टाइम की एक्यूरेसी है वो देती है काफ़ी स्मॉल स्केल तक डियर स्टूडेंट्स अभी तक हमने यहाँ पे जो मैंने आपको डेटा टाइप्स बताई हैं ये वो डाटा टाइप्स हैं कि जो इनका हम जनरली इस्तेमाल करते हैं और जो अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी हैं इसके अलावा सिकुल सर्वर और भी डेटा टाइप सपोर्ट करता है लेकिन उनकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है जब उसका वक्त आएगा और जब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी तो आपको मैं उस वक्त बताऊंगा और उनको एक्सप्लेन करूंगा इस वक्त हमारे इस्तेमाल के लिए यही डेटा टाइप्स काफी हैं क्योंकि अब हमारा जो ये पर्टिकुलर जो एक हमारा रेंज है जो ये हमारा पर्टिकुलर सेशन है हमारे कोर्स का इसमें वी आर डिस्कसिंग बेसिकली एसक्यूएल जब हमने एसक्यूएल पढ़ना है तो जाहिर है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है जो कमांड्स हम देखेंगे उनको हमने जस्ट थ्रेटिकली नहीं पढ़ना अदर वी हैव टू इम्प्लीमेंट दोज कमांड ऑन सम फॉर दैट वी नीड टू हैव एन एग्जाम्पल डाटा बेस ना फॉर द एग्जाम्पल डाटा बेस आई रेफर यू बैक टू आवर डिज़ाइन फेज उसमें द डिजाइन दैट वी प्रोड्यूस्ड एज ए प्रैक्टिस सेशन एज एन एग्जाम्पल देयर हम उसी को यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो हम uh, मैं उसको आपको दोबारा रेफर कराऊंगा उसके बाद हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इन टू द रिलेशन डिजाइन देन वी विल चेक इट्स uh, नॉर्मलाइजेशन और फिर उसके बाद वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट कंसिडरिंग द डिसन ड्यूरिंग द फिजिकल डाटा डिज़ाइन एज वेल तो इस स्टेज की तरफ हम uh, चलेंगे तो आइए देखिए हमारा एग्जाम्पल डाटा बेस डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ आवर एग्जाम्पल डाटा बेस एंड दैट इज़ फॉर द एग्जाम सिस्टम ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और ब्रदर एंड इंस्टीट्यूट ऑफ द एजुकेशन एट द हायर लेवल राइट कोई सा भी इधारा जो कि ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की आपको एजुकेशन दे रहा है इसमें देखिए कि हमारी जो एंट्री टाइप्स हैं वो आप पहले ये देख चुके हुए हैं इसमें मैं तो उसको क्लैरिटी के लिए नॉट इंक्लूडेड द एट्रीब्यूट जस्ट दी टाइप्स एंड द रिलेशनशिप्स एंड देर कॉर्डिज अब स्टूडेंट uh, प्रोग्राम इसमें आप देख रहे हैं वन टू मैनी है इसलिए कि एक स्टूडेंट एक प्रोग्राम में अनरोल हो सकता है और एक प्रोग्राम में बहुत स्टूडेंट अनर हो सकते हैं उसके बाद प्रोग्राम और कोर्स को देखें देर इज़ वन टू मैनी अगेन बिकॉज वन प्रोग्राम कंटेन्ज मैनी कोर्सेज एंड वन कोर्स इज इंक्लूडेड ओनली इन वन प्रोग्राम और मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि जैसे हमने कहा कि डाटा बेस इफ डाटा बेस कोर्स इज बिंग ऑफर्ड एट बोथ द बी सी एस लेवल एंड द एम सी एस लेवल तो दैट देट बी स्टोर्ड ट्वाइस इन दिस डाटा बेस लेकिन उनका को जो कोड डिफरेंट होगा इसी बेस पर वी आर कंसिडरिंग uh, और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बिकॉज आवर ऑर्गेनाइजेशन सेट दैट इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं दिस इज नॉट समथिंग दैट वी हैव डिफाइंड आवर सेल्व रदर हमें सिस्टम में ऐसा हो रहा था कि वो अगर सेम कोर्स टाइटल है तो देर इज डेफिनेटली सम डिफरेंस इन द कंटेंट्स कंटेंट्स सेम भी हो इवन बट स्टिल इफ दे कंसिडर दर्सेज डिफरेंट देन वी हैव टू ट्रीट दैम एज डिफरेंट तो यहाँ पर यह है कि आपके पास एक कोर्स जो है वो एक ही प्रोग्राम से रिलेटेड है और एक प्रोग्राम बहुत से कोर्सेज हैं फिर कोर्सेज में से हम कुछ कोर्सेज को ऑफर करते हैं तो इनके दरिया वन टू मनी का रिलेशनशिप है क्योंकि एक कोर्स बहुत से दफ़ा ऑफर हो सकता है डिफरेंट सेमेस्टर में जाहिर है तो ये हो गया और बेसिकली ये हमारा एक रिलेशनशिप था जिसको हमने एज यहाँ पे एंड्री टाइप को शो किया हुआ है उसके बाद जो हमारे पास स्टूडेंट है एक स्टूडेंट बहुत से सेमेस्टर में एनरोल हो सकता है और एक सेमेस्टर में बहुत से स्टूडेंट एनरोल होते हैं यहाँ पे मैन टू मैनी हो गया फिर स्टूडेंट का और कोर्सेज ऑफर का देखें कि एक स्टूडेंट जो है बहुत से कोर्स ऑफर के साथ लिस्ट लिंक हो सकता है और एक कोर्स ऑफवर्ड जो है उसमें बहुत से स्टूडेंट एनरोल होते हैं तो जो ये रिलेशनशिप है आपका जो स्टूडेंट और कोर्सेज ऑफर के दरमियान है दिस इज बेसिकली एनरोल रिलेशनशिप फिर आप देखिए कि ऑफर्ड और टीचर 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 के एक जो कोर्स ऑफर होता है दैट इज असाइंड टू वन वन एंड मे बी एलोकेटेड मैनी कोर्सेज तो ये एक हमारे पास हमारी डायग्राम है जिसको मैंने ब्रीफली आपको एक्सप्लेन एक किया है इसके अलावा सेमेस्टर और कोर्सेज ऑफर्ड में भी एक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है इसका मतलब यह है कि एक सेमेस्टर में बहुत से कोर्सेज ऑफर होते हैं और एक कोर्स जो है वो बहुत से ऑफर होता है मिसाल के तौर पर डेटा बेस कोर्स है तो आज एक क्लास करें में है उसको कोर्स ऑफर होता है तो इस दफा कोर्स ऑफर हुआ इस सेमेस्टर में लेकिन अगले सेमेस्टर में जो अब बीसीएस फाइव है वो बीसीएस में आ जाएगी तो यही कोर्स दोबारा ऑफर होगा इट मीनस के इन ए रनिंग इंस्टीट्यूट सेम कोर्सेज आर ऑफर्ड ऑलमोस्ट इन एवरी सेमेस्टर इसलिए वो यहाँ पे मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप शो किया गया डियर स्टूडेंट्स ये जो डिज़ाइन है ये एक जनरल uh, कंसिड्रेशन के लिहाज से एक सिंपलिसिटी के लिहाज से ठीक है एक चीज़ की तरफ डेफिनेटली आई लाइक टू पॉइंट आउट कि जो रिलेशनशिप है आपका स्टूडेंट कोर्सेज ऑफर्ड और सेमेस्टर के दरमियान जहाँ पर अगर आप देखें कि अगर आपने ये देखना हो कि एक स्टूडेंट ने कौन कौन से कोर्सेज हैं वो लिए हुए हैं तो ज़ाहिर है कि आपके पास जो ये रिलेशनशिप है बिटवीन स्टूडेंट एंड कोर्स ऑफर्ड के इसमें पढ़ा हुआ होगा स्टूडेंट की आईडी और कोर्स की आईडी उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ठीक है इस स्टूडेंट ने ये कोर्स दिया हुआ है तो ये जो रिलेशनशिप के अगेंस्ट हमारा टेबल बनेगा यानी जो स्टूडेंट और कोर्सेज ऑफर्ड के दरमियान रिलेशनशिप है इसके अगेंस्ट जो टेबल बनेगा उसमें प्राइमरी की होगी स्टूडेंट आई और कोर्सेज ऑफर्ड की या कोर्स ऑफर्ड की लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक थोड़ा सा वो ये है कि फर्ज करें

यू कैन नॉट रिपीट द प्राइमरी की जाहिर है ये प्रॉब्लम है तो इसमें फिर होगा ये कि या तो आप जो उसकी पहली दफा आपने जो उसने स्टूडेंट ने रिकॉर्ड एनरोल किया था उसको डिलीट करें ठीक है या तो उसको डिलीट करें या फिर उसकी सूरतयाल ये है कि आप इसको इसकी जो प्राइमरी की है इसमें कोई और चीज एड करें वरना द सेकेंड टाइम रिकॉर्ड विल नॉट बी एंटर्ड इन टू द डाटा क्यों

वन जीरो थ्री फाइव और वन इट मीन्स के ये स्टूडेंट इस कोर को फर्स्ट टाइम ले रहा है अगर वो सेकेंड टाइम लेगा तो यहां पे टू आ जाएगा थ्री आ जाएगा जब टू थ्री आ गया इट मीन्स के ही हैज बीन फेल्ड बिफोर इन दिस कोर्स एक तो सोल्यूशन ये है लेकिन एक और सोल्यूशन जो कि हमने यहां पर लिया है जो कि इस डिजाइन को और ब्यूटीफुल कर देगा वो ये है कि यू मेक ए टर्न रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट कोर्स ऑफवर्ड एंड सेमेस्टर तीनों एंटिटी टाइप्स इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और फिर होगा यह कि इन तीनों की जो प्राइमरी की है वो मिलके बन जाएगी इस उस रिलेशन की प्राइमरी की जो कि इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट बनेगा इसका मतलब है कि इसकी प्राइमरी की में जो हमारा एनरोल का जो टेबल बनेगा इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट उसमें जो प्राइमरी की है दैट बी कंसिस्टिंग ऑफ थ्री एटीट्यूट तीनों की प्राइमरी की स्टूडेंट की कोर्स ऑफर्ड की और सेमेस्टर की इसका कोई फायदा ये होगा कि फर्ज करें एक कोर्स एक सेमेस्टर में ऑफर हुआ स्टूडेंट ने वो लिया आपने क्या किया कि स्टूडेंट का आईडी कोर्स की आईडी और सेमेस्टर की आईडी डी तहरा कि तीनों मिलकर यूनिक बन जाएंगी उसके साथ आपने स्टूडेंट को एनरोल कर लिया गॉड शॉफ बिडन अल्लाह अग, अग, वो अगर स्टूडेंट में फेल हो गया जब नेक्स्ट टाइम दोबारा स्टूडेंट एनरोल होगा तो स्टूडेंट आई तो वही होगी कोर्स ऑफर की आई भी वही होगी लेकिन सेमेस्टर की आई चेंज हो जाएगी तो इस तरह इन दिस वे इट बिकम्स ए न्यू रिकॉर्ड तो वो आपका जो वो लीगल हो जाएगा इस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकें डियर स्टूडेंट्स टर्नि रिलेशनशिप इज समथिंग दैट वी डो नॉट डिस्कस इन वेरी मच डिटेल वेन वी आर डिस्कसिंग द यार डायग्राम उसकी रीजन ये है कि इन द रियल लाइफ टर्नी रिलेशनशिप दे डू नॉट एग्जिस्ट दे डू डू नॉट यू नॉट फेस दम टू मच इन द रियल लाइफ ज्यादातर जो होते हैं वो बाइनरी और यूनरी होते हैं लेकिन स्टिल Uh, आज इस डिस्कशन की बेस uh, की पे ही इफ यू वांट टू नो के हाउ डू वी असाइन कार्डिनेलिटी टू ए टर्न रिलेशनशिप तो उसके अगर आप डिफरेंट बुक्स देखेंगे तो लोगों ने मुख्त तरीके जो है वो अडोप्ट किए होते हैं एक तो तरीका ये है कि आप जो आपकी जो आपका रिलेशनशिप है यू कंसिडर इट एज एन एंटीटी टाइप और उसके बाद आप जितनी भी तीनों आपकी एंटीटी टाइप्स इन्वॉल्व हैं उसके अंदर उनमें से हर एक साथ अलग अलग देख लें कि इसका रिलेशनशिप क्या बनता है तो इसका मतलब है कि वो उसमें हर एक साथ अलग many, man many, many, अलग वन टू मैनी मैनी टू मैनी वन टू मैनी इस अलग अलग से हो सकता है यानी इसके आप ये देखें कि उसके आप दोनों साइड पे तीनों तरफ मेंशन करेंगे एक तो तरीका ये है दूसरा तरीका ये है कि जो हमने इस डायग्राम में अडॉप्ट किया हुआ है वो ये है कि आप जो आपके पास टर्नरी रिलेशनशिप है उसको देखें फिर, फिर आप यूज पे गौर करें कि आप फर्ज करें इनमें से तीन हमारे पास रिलेटेप हैं ए बी और सी हैं। आप ये सपोज करेंगे करें हमने देखनी है कि A की क्या है कि की क्या इस में। तो उसको यूँ देख सकते हैं। आप ये सपोज करें कि बी के, के का अगर एक इंस्टेंस हो और सी का अगर एक इंस्टेंस हो तो फिर ए के कितने instances के साथ रिलेट हो सकते हैं दोबारा अगर हम ये कहें कि बी का अगर एक इंस्टेंस हो और सी का एक इंस्टेंस हो तो ए के कितने में इन्वॉल्व हो सकते हैं यू जाएगी आपको आप ए की अगर ए का एक हो और सी का एक हो तो बी के कितने इन्वॉल्व होंगे यू पता बीलिटी और इसी तरह से सी की इस रूल को हमने अप्लाई किया हुआ है इस डायग्राम में जो आपके सामने आएगी देखिए इस रूल को वी देखिए कैसे कि इसमें आप देखें स्टूडेंट कोर्स ऑफर्ड और सेमेस्टर को Uh, के दरमियान एक टर्नरी रिलेशनशिप है अब हम ये सपोज करते हैं कि अगर एक कोर्स ऑफर्ड हो एक स्टूडेंट कितने स्टूडेंट इसके साथ लिंक हो सकते हैं या एक स्टूडेंट जो है इसकी कितनी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी तो जाहिर है कि एक एक सेमेस्टर में एक कोर्स जो है उसके साथ स्टूडेंट एक ही दफा इन्वॉल्व होगा यहां पे हमने उसकी जो कार्डिनेलिटी है उसको वन कर दिया और मिनिमम को जीरो इसलिए किया है कि बाज हो सकता है कि एक स्टूडेंट एक सेमेस्टर में एनरोल ही ना हो तो इसलिए उसको हमने ऑप्शनल कर दिया दूसरी देखिए कि अब हम फर्ज करिए देखना चाहते हैं कि वट इज द कार्डीनलिटी ऑफ सेमेस्टर इन दिस रिलेशनशिप तो ये सपोज करें कि एक स्टूडेंट हो और एक कोर्स ऑफर्ड है एक स्टूडेंट एक कोर्स ऑफर्ड सेमेस्टर कितने इन्वॉल्व हो सकते हैं बहुत से कैसे ये वही सिचुएशन है फॉर व्हिच वी हैव क्रिएटेड ए टर्नरी रिलेशनशिप क्योंकि जाहिर है एक स्टूडेंट अगर लट्स फेल हो जाता है किसी कोर्स में तो वो किसी और सेमेस्टर में आएगा बस दोबारा भी फेल हो जाते हैं वैसे ऐसे विशेषादे होते हैं तो फिर आएगा तो इससे ज्यादा फिर नहीं करते कहने का मतलब यह है कि एक स्टूडेंट है और एक कोर्स है तो सेमेस्टर्स की उसमें मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है मल्टीपल वो रिलेट हो सकता है दैट इज वाई सेमेस्टर्स कार्लिटी इज मैनी इसी तरीके से अगर हम देखें कि एक स्टूडेंट है और एक सेमेस्टर है एक पर्टिकुलर स्टूडेंट एक पर्टिकुलर सेमेस्टर कोर्सेज ऑफर्ड कितने इन्वॉल्व होंगे मैं नहीं जाहिर है कि एक स्टूडेंट एक सेमेस्टर में बहुत से कोर्सेज ले लेता है इसी बेस पे यहां पे इसकी कार्डिनलिटी को मैंने शो किया गया तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं कि आप जो टर्नी रिलेशनशिप है उसमें जो एंटिटी टाइप्स इन्वॉल्व हैं उनकी कार्डिनलिटी यू डिटर्मिन कर सकते हैं और फिर जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे रिलेशनल डाटा बेस में या रिलेशनल डाटा मॉडल में जब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे वो यही है कि जो आप जो रिलेशनशिप है इसके गेस्ट हमारा बनेगा एक टेबल और उसमें जितनी भी पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप्स हैं उन सब की जो प्राइमरी की है वो बन जाएगी उसकी कंपोजिट प्राइमरी की एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट कंडली इसमें और भी नोट कर लें कि इनमें से कम अज कम एक की इन्वॉल्वमेंट जो है कार्डनैलिटी जो है वन होनी चाहिए देन इट इज पॉसिबल के तीनों की प्राइमरी की मिलके इस रिलेशन की प्राइमरी की, की बनेगी दोबारा के एक टर्नरी रिलेशनशिप में जितनी एंटी टाइप्स इन्वॉल्व हैं उनमें से कम अज कम एक की कार्डिनलिटी या उसकी इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में वन होनी चाहिए तब भी ये पॉसिबल होगा कि इन तीनों की प्राइमरी की मिलके उस रिलेशन की प्राइमरी की बनेगी कि जो इस रिलेशनशिप अगेंस्ट क्रिएट हो रहा है Otherwise, अगर तीनों ही मैनी है तो फिर ऐसा नहीं होगा फिर यू नीड टू एड डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, फिर आपको कोई और चीज एड करनी पड़ेगी तब ये बनेगा है चलते हैं अब इस स्लाइड पे आप देखिए यहां पर सेम कंसेप्चुअल डाटा डिजाइन इन टू दिलेशनल डाटा डिजाइन इन दर डाइग्राम

कि वो आ, एक रिलेशनशिप है लेकिन ये उसके तरह से ट्रीट होगा और इसका एक अपना एट्रीब्यूट जो है इसमें अदर फै, जो फैकल्टी आईडी है वो इसमें काम कर रहा है एज़ फॉरन की इसके अलावा देखिए आपके जो हमारे पास एन है इसको देखें एनरोल जो है ये बना हुआ है वही अगेंस्ट दिस टर्न रिलेशनशिप वो आपके ये रिलेशन वहाँ से बनाए द प्राइमरी की ऑफ एनरोल इज अ जिट की इट कंसिस्ट ऑफ थ्री एट्रीब्यूट स्टूडेंट आई डी कोर्स आई डी सेमेस्टर नेम ऑल थ्री पार्टिसिपेटिंग एंटीटाइप्स उनकी प्राइमरी की मिलके इसकी प्राइमरी की बनी हुई है और इसके अलावा जो इसके अपने फर्दर डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स हैं उसमें है मिड टर्म के मिड टर्म के मार्क्स कितने हैं सेक्शनल मार्क्स सेक्शनल के कितने मार्क्स हैं फाइनल मार्क्स टोटल मार्क्स ग्रेड और ग्रेड पॉइंट ये एट्रीब्यूट्स हैं एनरोल के इसी तरह देखें हमारे पास जो था अगर आप पीछे देखें डायग्राम में जो हमारे पास रिलेशनशिप है बिटवीन स्टूडेंट एंड सेमेस्टर ये एक है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इसके अगेंस्ट भी वी हैव क्रिएटेड ए रिलेशन और उसका नाम है सेमेस्टर रिजल्ट उसको हम नाम दे दिए सेमेस्टर रिजल्ट इसमें आप देखिए तो स्टूडेंट आई और सेमेस्टर नेम ये दोनों मिलकर बन रहे प्राइमरी की बिकॉज दीज आर द प्राइमरी कीज ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप्स तो इसमें कंपोजिट प्राइमरी की बन गई अब सेमेस्टर के रिजल्ट के लिए जो कि हमारे पास स्पेसिफिकली एनरोल से आएगा यानी एनरोल से हम लेंगे सेमेस्टर का रिजल्ट कैसे कि पहले हम लिस्ट में लेंगे टोटल क्रेडिट्स वो कैसे आएंगे वो ऐसे आएंगे कि एनरोल से हमें पता चल जाएगा कि उस कोर्स के इसने कौन से कोर्सेज एनरोल करवाए हैं कोर्स कोड से उसके बाद हमें कोर्स से पता चल जाएगा कि इस कोर्स के क्रेडिट्स कितने हैं दोबारा देखिए इसमें एनरोल से पता चलेगा कि एक खास स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स एनरोल करवाया और कोर्स का जो टेबल है वहां पे लिखे हुए जो कोर्स क्रेडिट्स वहां से हमें पता चलेगा कि इस कोर्स के क्रेडिट्स कितने हैं तो इस तरह से एक स्टूडेंट ने जितने भी एक सेमेस्टर में कोर्सेज एनरोल करवाए हैं उन सब का सम जब करेंगे दैट विल बी टोटल कोर्सेज सॉरी टोटल कोर्सेज हो जाएगा फिर तो, वो आ जाएगा टोटल क्रेडिट्स में उसके तमाम कोर्सेज के क्रेडिट्स का सम आ जाएगा टोटल क्रेडिट्स में जितने कोर्सेज एनरोल करवाए हैं वो यहाँ से सम हो जाएंगे फिर टोटल जीपी ये कहां से आएगा वो आएगा ये जो आपके तो पास एनरोल में जीपी लिखी हुई है इन तमाम का जो सम है वो आ जाएगा टोटल जीपी में और फिर इन सब से जो उसके टोटल क्रेडिट्स थे और जो उसका टोटल जीपी था यूजिंग दिस टू यू विल कैलकुलेट द जीपीए और बिकॉज डिग्रीज नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेमेस्टर सो इट मीन के वन स्टूडेंट विल हैव मल्टीपल सेमेस्टर रिजल्ट हर सेमेस्टर का एक उसका जीपीए इस टेबल में सेमेस्टर रिजल्ट में अब आप, आप देखें अगर स्टूडेंट आप रिलेशन देखें इसमें एक फील्ड है सी जी पी एट इज क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज तो जो सी जी पी ए है दैट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर देयर इन द सेमेस्टर रिजल्ट फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट अगर थर्ड सेमेस्टर में है तो सेमेस्टर रिजल्ट में उसके दो रिकॉर्ड होंगे प्रीवियस टू सेमेस्टर्स तो उन दोनों के जो जीपीएज हैं उनको लेके यू विल कैलकुलेट द सी जी पी एंड दैट विल बी स्टोर्ड इन द स्टूडेंट रिलेशन इन द सी जी पी एट्रीब्यूट आई होप कि आपको ये जो हमारा डिज़ाइन है इसमें जो रिलेशन शामिल हैं उनकी समझ आ गई होगी और आप आ, ये भी कीजिए कि आप इस पर गौर भी करें आपकी जब ये स्लाइड आपका अपलोड हो जाएगी तो वहाँ से आप इस पर गौर करें और हर जो आपका एक जो टेबल है हर टेबल को देखिए और उसमें जो उसका पर्पज है एट्रीब्यूट उन एट्रीब्यूट्स का वो देखें कि इन एट्रीब्यूट्स का पर्पज क्या है वो किस लिए यहाँ पे इन टेबल्स के अंदर मौजूद है डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप इज टू चेक नॉर्मलाइजेशन ऑफ दीज टेबल्स अब उसमें यह है कि यहां पे आई हैव नॉट गिवन दी एफ डी स्पेसिफिकली लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम लोग इम्प्लीसिटली uh, भी नॉर्मलाइजेशन कर रहे होते हैं तो हमारा ये डिजाइन जो है यू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि दिस इज़ अ नॉर्मलाइज डिज़ाइन इसमें कोई भी हमारे पास पार्शल डिपेंडेंसी नहीं है आप इस पर खुद इसका एनालाइज कीजिए गौर कीजिए और ना ही इसमें कोई ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी है इसका मतलब यह कि दिस इज द डिज़ाइन इन द इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म बी सी एन एफ आइए आगे चलते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग एस क्यू की कमांड्स को तीन ब्रॉड क्लासेस में कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड द डी डी एल डाटा मैन्युपोलेशन लैंग्वेज डी एम एल और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज डी सी एल जैसा कि इनके नाम से जाहिर है कि द डी डी एल इज यूज टू डिफाइन डाटा बेज डी एम एल टू मैनिपुलेट और डी सी एल टू कंट्रोल दी uh, डाटा तो इस तरह से जो आपके पास है जैसे डी एम एल है मिसाल के तौर पर जो डी एम एल है दैट इज़ यूज टू क्रिएट अल्टर और ड्राफ टेबल्स और अदर डाटा बेस ऑब्जेक्ट्स आप टेबल क्रिएट करना है यू वॉन्ट टू क्रिएट डाटा बेस टेबल व्यूज यूजर्स फॉर ऑल दैम यू यूज डी एम एल्स और जब आपने उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज करनी है उसमें कोई एट्रीब्यूट ऐड uh, करना है उसके कोई उसमें कोई कॉन्सट्रेट ऐड करना है कोई चेंज करनी है डाटा बेस के स्ट्रक्चर में फॉर दैट यू यूज द डी एम एल कमांड्स इसके अलावा ये देखिए कि फॉर यूजिंग द डी एम एल कमांड्स वन मेथडोलॉजी इज दैट यू यूज द एस कमांड्स जो कि हम यहां पढ़ेंगे और करेंगे इसके अलावा ऑलमोस्ट एवरी डी बी एम एस ए ग्राफिकल इंटरफेस टूल बाई यूजिंग विच यू कैन परफॉर्म दीज एक्टिविटीज फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट ए टेबल तो इफ यू यूज द एस क्यू एल फॉर दैट यू विल यूज द क्रिएट टेबल कमांड लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास कोई भी डी वे इस्तेमाल करें मिसाल के तौर पर इवन यू यूज सीक्वल सर्वर इफ़ यू यूज एक्सेस ऑरिकल तकरीबन सब जो है वो आपको कोई एक ऐसा ग्राफिक इंटरफेस दे रहे हैं कि जिसको इस्तेमाल करते हुए यू डू नॉट नीड टू यूज दिस एसक्ल कमांड उस ग्राफिक जो इंटरफेस है उसके तहत आप ये uh, उसको डिफरेंट uh, देते हैं इंस्ट्रक्शन देते हैं डिफरेंट ऑप्शन लेते हैं और उसके तहत द टेबल इज़ क्रिएटेड ऑटोमेटिकली और द एक्टिविटीज इज परफॉर्म ऑटोमेटिकली वो जो टूल्स हैं वो इस्तेमाल करना ना सिर्फ ये कि वो आसान होता है बल्कि वो आपको ज्यादा फीचर्स भी देते हैं बट स्टिल एज ए डाटा बेस एक्सपर्ट एज ए डेटा बेस प्रोफेशनल यू मस्ट हैव ए वेरी गुड कमांड ऑन एस क्यू एल डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम यहाँ कंक्लूड करेंगे बेसिकली वी हैव एंटर इन टू आवर सेशन ऑफ द एस क्यू एल आज मैंने आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन किया कि हाउ डू वी रीड हाउ डू वी अंडरस्टैंड ए फॉर्मेट ऑफ ए एसक्यूएल कमांड और ये एक जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट रूल्स हैं दे डू नॉट ओनली अप्लाई ऑन द एसक्यूएल बट अदर दे अप्लाई टू एनी लैंग्वेज दे आर वेरी जनरल इसके अलावा मैंने आपको जो आ, जो हमारा डिज़ाइन है जो हमने कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन जो कि हमने इस्तेमाल करना है अपनी एसक्यूएल की प्रैक्टिस के दौरान उसको कुछ एक्सप्लेन एक्सप्लें और खास तौर पे मैंने आपको एक चीज़ जो कि हम पहले इतनी डिटेल से डिस्कस नहीं की थी एंड दैट वाज द टर्नरी रिलेशनशिप उसका जो तो ट्रीटमेंट है वो मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन किया है फिर उसके बाद मैंने आपको दिखाया कैसे हम वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड इट इन द लॉजिकल डेटाफ डिज़ाइन एंड आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज नॉर्मलाइज्ड अब अगले लेक्चर uh, में इनशाला हम टेबल्स क्रिएट करेंगे और उसमें जो फिजिकल डाटा बेस के डिजाइन uh, जो डिसीशन हैं उनमें से कुछ वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर उसके बाद एस की डिफरेंट क्यूरीज इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहूंगा अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह हाफ़िज